तो फ्रेंड्स, क्या हाल है? आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। या दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड पहले से काफ़ी कम हो गई है, जैसे आपने नया लिया था वैसी स्पीड नहीं रही है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके कंप्यूटर की स्पीड फिर से पहले जैसी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स इन रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त लवप्रीत। तो दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सेटिंग है, वो है आपको स्टार्टअप प्रोग्राम होते हैं उन्हें डिसेबल करना होगा। इसलिए आपको टास्क मैनेजर के अंदर जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। इसके अंदर आपको जाकर यहाँ पर स्टार्टअप प्रोग्राम के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको जो भी प्रोग्राम अनेबल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ है, इस लाइन में जो भी अनेबल दिखाई दे रहे हैं उन सभी को डिसेबल कर दीजिए। बस एक दो प्रोग्राम को छोड़ दीजिएगा जो सिस्टम से रिलेटेड होंगे, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड होगा या फिर आपके ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड है, उन प्रोग्राम्स को छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी को डिसेबल कर दीजिएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर मेरे अनेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको डिसेबल दिखाई देगा, और यहाँ पर नीचे भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इससे भी इसे डिसेबल कर सकते हैं। अब बात आती है इस सेटिंग से होगा क्या। इस सेटिंग से ये होगा कि आपका जो कंप्यूटर जल्दी स्टार्ट होगा, जितना समय पहले लेता था उससे पहले आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। टिप नंबर टू, दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिन्हें हम कुछ समय के लिए इंस्टॉल करते हैं, कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए, और उसके बाद हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हें कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, जिससे भाई दोस्तों वो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देती हैं। ये तो उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए, फालतू में आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेस यूज़ करेंगी। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको प्रोग्राम में जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सेटिंग के अंदर आपको जाना है। इस सेटिंग के अंदर जाने के बाद फालतू के जो भी एप्लीकेशन है उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे यहाँ पर एक 3G जंगल का मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और अभी मैं जियो 4G यूज़ करता हूँ, तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये डोंगल का सॉफ्टवेयर था, अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया। तो आपको भी ऐसे करना है, फालतू की जो भी एप्लीकेशन है उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। इसमें दोस्तों आपको अपनी जो लोकल डिस्क के ऊपर क्लिक करना है, लोकल डिस्क में जाकर आपको जो भी फाइल्स होती हैं एक्स्ट्रा फाइल उन्हें क्लीन कर देना है। दोस्तों जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं तो उसकी कुछ फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर ही रहती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनमें से कुछ फाइल्स रहती होती हैं जो रिसोर्सेज का भी यूज़ करती हैं। दोस्तों इन सभी फाइल्स को आपको अपने सिस्टम से क्लीन कर देना है, इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ पर आपको स्टेप दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको ऐसी एक लिस्ट दिखाई देगी, इस लिस्ट में जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोग्राम फोल्डर को, और इसके अलावा और भी कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। सबको सेलेक्ट करने के बाद ओके पर प्रेस करेंगे और आपके जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स होगी वो डिलीट हो जाएंगी और आपकी जो मेमोरी क्लीन हो जाएगी। टिप नंबर 4, दोस्तों इस टिप में हम टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट करेंगे। टेम्प्रेरी फाइल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम विंडो के साइन को क्लिक करेंगे जो हमारे कीबोर्ड पर होता है, और उसके साथ आर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमें रन का एक पैनल खुलेगा। इसके अंदर हमें एक कमांड लिखनी होगी जिसमें पहले हमें एक % डालना है, फिर TEMP को लिखना है, फिर उसके बाद फिर से % पा देना है, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर टेम्प्रेरी फाइल्स दिखाई देंगी। दोस्तों ये सिस्टम तब बनाता है जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो सिस्टम उसका कुछ शॉर्टकट्स बना लेता है, कुछ भी अपने हिसाब से उसकी जो टेम्प्रेरी फाइल्स बना लेता है, तो ये बाद में सिस्टम के किसी काम की नहीं होती, लेकिन ये सिस्टम की जो मेमोरी काफ़ी रोक लेती हैं, तो इन्हें आप डिलीट कर दीजिए, इससे भी जो आपकी काफ़ी ज़्यादा मेमोरी खाली हो जाएगी। और इसके अलावा जो फाइल्स सिस्टम ने अभी बनाई हैं और वो जो यूज़ कर रहा है उन्हें स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी वो यूज़ कर रहा है।
तो वो डिलीट भी नहीं होंगी क्योंकि दोस्तों वो सिस्टम में अभी काम में हैं। तो जो फाइल काम में नहीं होंगी वो सभी डिलीट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ दोस्तों। इस टिप का भी कुछ फंडा ऐसा ही है जैसे कि टेम्परेरी फाइल का था। इसके भी अंदर आपको एक कमांड लगानी है, विंडोज़ प्लस आर बटन दबाना है, विंडो का बटन दबाकर और प्लस में जिसके ऊपर विंडो का साइन बना है उस बटन के साथ आपको आर का दबाना है बटन, और उसके बाद आपको ये कमांड लगानी है PREFETCH। दोस्तों अब जब आप इस कमांड को लगाएंगे तो आपको फिर से एक फोल्डर ओपन होगा जिसके अंदर काफ़ी सारी फाइल होंगी, तो उसमें आपको जो भी फाइल हैं सभी को सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने पहले कर आपको बताया था। तो ये भी दोस्तों एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं, इन सभी फाइल्स को आपको हर मंथ डिलीट करते रहना है। इससे आपके जो सिस्टम की मेमोरी खाली रहेगी और आपके प्रोसेसर कम रिसोर्सेस लेगा। तो भाई लास्ट में आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी आप फाइल डिलीट करेंगे उन्हें रिसाइकल बिन से पूरी तरह क्लियर कर दीजिए। और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ दोस्तों। इस टिप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी जो ब्राउज़र स्लो चलती है तो उसके लिए आपको अपनी जो कुकीज़ हैं उसे हर मंथ क्लियर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको टिप बता रहा हूँ आपको कैसे कुकीज़ को क्लियर करना है। और दोस्तों वो सभी लोगों को पता होता है लेकिन वो मंथली इस स्टेप को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपके जो ब्राउज़र के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है, इन सभी एक्सटेंशंस को देख लीजिए। इनमें से जो भी आपकी एक्सटेंशन आपके काम के नहीं हैं उन सभी को आप रिमूव कर दीजिए। जैसे कि मैंने कुछ एक्सटेंशन ऐसे ही एक्स्ट्रा लगा कर रखी है आपको दिखाने के लिए, तो आप ऐसे ऐसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। या तो एक और तरीका है, आपको सेटिंग के अंदर जाकर एक्सटेंशन में चले जाना है, एक्सटेंशन में जाकर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा इन्हें रिमूव करने का, तो आप यहाँ से भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं या फिर आप इसे डिसेबल करके भी रख सकते हैं, जैसा आपका दिल करे वैसा कर लीजिए। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा जो फालतू की एक्सटेंशन है उन्हें डिलीट करना ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे ये आपको बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ये टिप काम की भी है और आपके जो काम की नहीं भी हो सकती। दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आपका कोई काम काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी वाला है तो उसके लिए आपको ये सेटिंग बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक रीस्टोर पॉइंट होता है। ये इस सेटिंग को अगर आप बंद कर देंगे तो एक दिन पहले अगर आपका कंप्यूटर सही चल रहा था और दूसरे दिन ख़राब हो गया तो आप रिस्टोर कर उसी दिन के कंप्यूटर में जा सकते हैं और आपका पूरा डाटा बच जाएगा। लेकिन अगर आप इसे बंद करते हैं तो हो सकता है आपको विंडोज़ अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फिर से इंस्टॉल करना पड़े। तो आप ये आपकी चॉइस है कि आप इसे इनेबल रखना चाहते हैं या फिर इसे डिसेबल करना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपका काम काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला है, ज़िम्मेदारी वाला है, तो दोस्तों इसे अनेबल ही रखें, क्योंकि दोस्तों ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देता है। लेकिन अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स बच जाएंगे और आपका प्रोसेसर थोड़ी और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। आखिर में ब्रह्मास्त्र है कि दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर फिर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, फिर भी हैंग हो रहा है, तो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को फिर से नया बना सकते हैं। जैसे कि आपने पहले दिन अपना कंप्यूटर ख़रीदा था, जैसे आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसी दिन में आप वापस आ सकते हैं अपने कंप्यूटर को रीसेट करके। यहाँ दोस्तों आपको रीसेट सर्च करना है और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वैसे ही मोबाइल के जैसे सेटिंग मिलेंगी, आपको रीसेट पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पूरी तरह रीसेट करने के लिए जो जिसमें आपकी सभी फाइल डिलीट हो जाएंगी, और पहली रीसेट में आपकी जो फाइल्स डिलीट नहीं होंगी लेकिन सिस्टम के अंदर जो भी आपने फाइल्स इंस्टॉल किए हैं, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, वो सभी रिमूव हो जाएंगे और आपका कंप्यूटर फिर से नया बन जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पहले बारी सेटिंग पर क्लिक करें और उसके बाद आपको कुछ देर वेट करनी होगी और आपका जो सिस्टम फिर से नया हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की जो भी मैंने आपको जो सेटिंग्स बताई हैं ये आप ज़रूर यूज़ करेंगे, और अगर आप इन सभी सेटिंग्स को यूज़ कर देंगे तो आपके सिस्टम की जो स्पीड 100% बढ़ेगी
और अगर वीडियो पसंद आई भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार गए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपका हर वीडियो की नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलती रहेगी। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, गुड बाय।